ये शब्द का प्रयोग आपको भी नहीं करना चाहिए। एक 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 पत्ते को खींच रहे हैं, एक 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 संत को भ्रमित कर रहे हैं। संत है जिनको अच्छे तरीके से टारगेट किया गया, जिन्होंने क्रांतिकारी वर्क किया समाज में, आदिवासी क्षेत्रों को धर्मांतरण जहाँ हो रहा था। आसाराम जी के बापू का प्रकरण है, उन्होंने 85 ईयर्स ओल्ड है, वर्ड नहीं है, जीरो FIR के तहत। नहीं, ये शब्द का प्रयोग आपको भी नहीं करना चाहिए, ये शब्द का प्रयोग आपको भी नहीं करना चाहिए। ये है ही नहीं तो फिर आप प्रयोग क्यों करते हो? ये शब्द ही गलत है तो फिर आप इस शब्द का भी प्रयोग ना करो, आप भी ना करो। और जो लोग कर रहे हैं तो वो तो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। आप उससे जा कर के पूछो जो चाहता है और सोचता है और कहता है कि किसी भी चीज़ को कितना परसेंट, कितना प्रतिशत हम उसको कार्य करते हैं, तो उसके प्रकार से उसकी मानवता का ग्रोथ कितना होता है। जब उसके पास में खुद ही उसका कुछ एनालिसिस नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम उससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इसलिए ये तो षड्यंत्र के माध्यम से इस तरह से हमारे सनातन भारतीय परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो विश्व गुरु था, उस विश्व गुरुत्व को समाप्त करने के लिए एक 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 पत्ते को खींच रहे हैं, एक 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 संत को भ्रमित कर रहे हैं, एक 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 परंपरा को जो पृथ्वी से लेकर के आसमान तक जिसका ध्वनि गूंजता हो, ऐसे हमारे वैदिक परंपराओं को जो उच्चारण करता हो। हमारे यहाँ इतने बड़े संस्था हैं, कोई भी संस्था चला रहे हैं, उसमें कुछ तो राम नाम का नाम लेता होगा, कुछ तो मंत्र का जाप करता होगा। अरे बड़े बड़े लोग जो अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी है, उनके उनके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं करता है। और वो सभी महापुरुष जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और संस्कृति के लिए और हमारे वैदिक परंपरा के लिए, ग्रंथ के लिए, स्मृतियों के लिए जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। वो भूतो न भविष्यति, ना कोई किया है ना कोई कर सकता है। हम जानते हैं कि संत, एक संत हमारे धरा पे उत्पन्न होते हैं, उसको एक छोटे से कलंक लगा करके तुम उसके सारे सत्कृत्य को, किए हुए सत्मार्ग को तुम नष्ट कर सकते हो। नंगा नृत्य रोड पर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो सारे कुछ कर रहा है और उसको कुछ भी मिटाना हो तो एक छोटे से कुछ करके और उसके सारे सार्थक कार्य को विस्मृत कर दो, ये सार्थक नहीं है। इसलिए समाज को भी ये समझना चाहिए, आँख खोलना चाहिए कि हमारे जो संपूर्ण विश्व में मानवता को परिचय कराने वाला, मनुष्य के स्वरूप को प्रदान करने वाला, जो मानव के जीवन को देने वाला, जो मनु के परंपराओं को अग्रसित करने वाला जो संस्था है, उसे किसी भी तरह से बचाएगा, सभी लोग बचाएगा, तभी पूरे विश्व बचेगा।